सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। युवा समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता निखिल मदान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में युवा साथियों के साथ भाग लिया। निखिल मदान ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए कृषि अध्यादेशों को किसानों के लिए नुकसानदायक बताते हुए सरकार से अपील की है कि वो इन अध्यादेशों को वापस ले और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करे। इस दौरान निखिल मदान ने बताया कि सरकार वर्तमान अध्यादेश में फसलों को देश में किसी भी राज्य में बेचने की बात कर रही है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करने से बच रही है, जो किसानों के साथ सरासर धोखा है। ये अध्यादेश मुख्य तौर पर मंडियों को खत्म करने और कृषि का निजीकरण करने का प्रयास है। कोरोना महामारी के चलते किसान पहले ही नुकसान में हैं और अब इस तरह के काले अध्यादेश से किसानों को और ज्यादा नुकसान होगा। निखिल मदान ने बताया कि पूर्व में हुड्डा सरकार के दौरान जहां किसानों को धान और गेहूं के रिकॉर्ड दाम दिए गए, वहीं आज किसान उचित दाम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निखिल मदान ने बताया कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले, अन्यथा वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जहां पूर्व में सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करती थी, वहीं आज किसानों को फसल का उचित दाम तक नहीं दिया जा रहा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज आपको मालूम है जिस तरीके पीपली के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार किया और जो आज सरकार ने केंद्र सरकार ने बिल पास किया, किसानों के विरोध बिल पास किया, उसके आज खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो स्थिति पूरे देश भर में किसानों की है, जो किसानों को अपनी फसलों का दाम नहीं मिल रहा, उसको देखते हुए सरकार उनके ऊपर और अत्याचार कर रही है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है देश का, और सरकार इस बात को समझ नहीं रही कि हम अन्नदाता को ही परेशान कर रहे हैं। अगर अन्नदाता आज परेशान होगा तो हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। और अगर आज किसानों की आवाज़ नहीं उठाई गई, इनके फसलों के उचित दाम नहीं दिए गए सरकार की तरफ से, तो किसान आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके अन्न पर अन्न देने का काम करता है, तो आप खुद समझ सकते हो कि इससे कितनी भारी समस्या हमारे देश में आएगी।